आज नाम चर्चा रखी हुई है, तो सबसे पहले हाँ, परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का अवतार महीना चल रहा है, तो आप सबको परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के अवतार महीने की बहुत बहुत मुबारक हो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो यूजुअल हम हर नाम चर्चा में जो भी करंट चल रहा है उस सब की जानकारी भी बराबर देते हैं। तो फिलहाल आजकल क्योंकि अब तो एक नई नौटंकी दोबारा से शुरू है और एज यूजुअल सबको पता ही है, फिर भी जिनको नहीं पता है उनको बेसिक से बता दें भी। जैसे यूपी बरनावा बागपत में जो पिताजी जैसा दिखने वाला शख्स एक ऐसे दिखाया गया, हरियाणा सरकार की तरफ से भी कोई पैरोल पे बाहर आया है और वो उसको पिताजी हमारे गुरुजी बताया जा रहा है, जबकि वो वैसा नहीं है, वो एक बहरूपिया है और भेष बदल के एक तरह से हमारे हजूर पिताजी को किन हालातों में कहाँ रखा गया ये कोई जानकारी नहीं है। वो एक बहरूपिया व्यक्ति है जिसका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में और लोगों की आस्था ख़त्म करने में और एक तरह से बुराई के रास्ते पे धकेलने के लिए किया जा रहा है। और ये एक जिसे मतलब आस्था का लिबास पहना के सब किया जा रहा है, तो ये चीज़ें चल रही हैं और इसको हम शुरू से इसके बारे में करते आ रहे हैं। और इसी चीज़ की अभी क्योंकि तीसरी बार ये जो पैरोल का ड्रामा जो नाटक चल रहा है ये सब चीज़ें हैं। और आज एक और वीडियो आया है यूट्यूब पे, कहने को वो हजूर पिताजी के यूट्यूब चैनल पे है पर क्योंकि वो बैरूपीय का है इसलिए हम थोड़ा खंडन बराबर करते रहते हैं, क्योंकि ये नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है और जो वैसी मंदबुद्धि हो उनको अकल कहाँ से आए। तो खैर उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज हमने देखी, क्योंकि इन दिनों एक विवाद चल रहा है, कल भी हमने बताया था उस पर लाइव में, इन दिनों एक विवाद चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार का जो चमत उसमें कोई कंप्लेंट है, कोई एक व्यक्ति है जो ऐसे आपके मतलब सामने वाले के बिना बोले उसके बारे में बता देता है, तो ऐसा एक विवाद चल रहा है और उस विवाद में बहुत से लोग उसके फेवर में आ रहे हैं, जबकि साफ साइंटिफिक तरीके से बहुत सारे लोगों ने साबित कर दिया है कि वो एक पाखंडी व्यक्ति है। लेकिन क्या है कि अब यूपी है और यूपी वाले के चेले भी उसके हक में उतरने लगे हैं। हाँ, क्योंकि दिख रहा है सरेआम फेसबुक से इन्फॉर्मेशन उठा के कर देना, और उसके अलावा न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो इस तरह से माइंड रीडिंग का कोई कला है उनकी वो करते हैं और ये चीज़ें एक परफॉर्मेंस के तौर पे एंटरटेनमेंट के तौर पे भी दिखाई जाती हैं। लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है किसी का इस तरह। और नफरत सबसे बड़ी बात, जब जहाँ धर्म के नाम पर नफरत फैलानी हो, जब फैलाई जा रही हो धर्म के नाम पे नफरत, तो फिर वो कहीं भी ईश्वर के संबंधित होती नहीं है। और इसके अलावा अब बहुत सारी चीज़ें जो आज के उसमें मिली, जैसे ये इसका इशू था इसके साथ यूपी वाले ने जो आज आज वीडियो डाला उसमें, एक तो वो हनुमान जी के बारे में बोल रहा है, अभी हम हनुमान जी को मानते हैं भैया, पिताजी तो कोई हनुमान जी तो एक भक्त थे, वो संत नहीं थे। लोग उनको पूछते हैं एक भक्त के नाते, संत वो होते हैं, सतगुरु वो होते हैं जो बार बेड़ा पार लगाते हैं, वो ईश्वर के अवतार होते हैं। भक्त क्या होते हैं? भक्त अवतारों के आगे भक्ति करके प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो हनुमान जी की गिनती भक्त शिरोमणि में होती है ना कि संतों में होती है। लेकिन अब वो हनुमान जी को पूज रहे हैं तो वो क्यों पूज रहा है अभी यूपी वाला पता नहीं, हो सकता है ये तरीके से क्योंकि उसके चेले जो हैं वो हनुमान उसका धीरेन्द्र शास्त्री का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हिंदूवादी सरकार के लिए एक बेस बनाया गया जो कि मतलब तरीके से उसको एक धार्मिक लीडर बना के प्रस्तुत किया गया एक स्क्रिप्ट के तहत, तो सब कुछ चल रहा है पैरेलल। इस सब के अलावा एक नया सिस्टम भी मिला, भी ये भी नई चीज़ बताई इसने, कहते हैं ना भी नकल के लिए अकल चाहिए। अब वो कह रहा है भी सफाई अभियान की बात चली है कि यूजुअली क्या होता था, सफाई अभियान की परमिशन मांगते थे, परमिशन नहीं मिलती थी, फिर वो एक शहर की बड़ी मुश्किल से मिलती थी, और क्योंकि जब मास मूवमेंट होती है तो बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कवर मिल जाता है, जो खास तौर पे जिसने मास मूवमेंट प्लान की हो उसके लिए ये आसान हो जाता है। क्योंकि जब आपको याद हो गुड़गांव के अंदर फरलो हुई थी, गुड़गांव में फरलो हुई, फरलो के बाद भी एक सफाई अभियान गुड़गांव में रखा गया और उस सफाई अभियान के दौरान भी पुलिस के पास एक इनपुट था, जो इंटेलिजेंस के पास एक इनपुट था भी एक पब्लिक मूवमेंट के अंतर्गत भी कुछ बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है, और उसके कुछ दिनों बाद उसके उन दिनों में ही नामतरचा घर के पास ही एक वो मिला, विस्फोटक पदार्थ भी मिला और उसके बाद उसी इलाके में हथियार भी बरामद हुए। तो ये चीज़ें कोई नई नहीं है, हमने कल आपको बताया था अभी कैसे
भी एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को करने के लिए धार्मिक एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है कवर देने के लिए। और ये चीज़ें क्योंकि अभी जब सरेआम नौटंकी नाटक चल ही रहा है तो ये सब चीज़ें चलती हैं। और अभी क्या सफाई अभियान की चलो परमिशन का ये सब नौटंकी है, लेकिन जो ये बातचीत एक सच कहूँ में भी आई है और जो दिखाई जा रही है, इस बातचीत को ज़रा गौर से सुने। क्या है कि अब हालत तो देख लो, ये है भाई, अब यूपी वाला एक तरफ तो भूल जाता है कि तो उसको ट्रेनिंग कराने में बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, उसको बताते नहीं हैं भाई तूने कब कौन सा झूठ कैसे बोला है, भाई उसको बनाना भी पड़ता है। लेकिन क्या चलो उसने याद हो एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा भी किसी और के कहे एकता वाले काम नहीं करने, मैं आके कराऊंगा तुम्हें एकता वाले काम, तो भाई एकता वाले काम कराऊंगा। अब आज क्या बोल रहा है जी, मुझे तो जानकारी नहीं है तुमने सफाई अभियान रखा हुआ है, तो मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। अभी इसकी स्क्रिप्ट कैसे चल रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जरा गौर से आप देखिए। एक स्क्रिप्ट में एक जगह ये बोल रहा है जी पहले तो मुझे बताया गया स्टेज वहाँ लगेगी, तुमने स्टेज यहाँ लगा दी, फिर वो बीच में उसको कोई स्वेटर ऑफर कर रहा है, उसको बोल रहा है जी मुझे तो ऑलरेडी पसीने आ रहे हैं, भी तू स्वेटर ऑफर कर रहा है, भी ठंड तो तेरे को इतनी लग रही है तो ऊन की टोपी लेके बैठा, जबकि हजूर पिताजी तो ऊन की टोपी कभी लेते ही नहीं थे, बहुत रेयर, मैं तो हमने तो कुछ शायद कभी देखा नहीं, बाकी कोई एक आधा तस्वीर हो तो मालूम नहीं, पर स्टेज पे हमने कभी पिताजी को उनकी टोपी लेते नहीं देखा। तो उसके बाद वो बीच में वो केक खाने बैठ जाता है, उसमें केक ही जूठा कर रहा है, खुद ही खा रहा है वहाँ से उठा के, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उसे सफाई अभियान की जानकारी ही नहीं है, वो बोल रहे मुझे तो जानकारी है नहीं, तुम अपनी परमिशन ले लेना, आगे जिम्मेवारों से पूछ लेना, मतलब अजीब है। और जो आगे इधर से बोल रहा है यहाँ पे इनका इसका चिल्ला जो पियाड़े का, और ख़ास तौर पे सबको पता है मेरा केस बजाज है और क्या कारनामे वो करता है सबको मालूम है। तो अब वो क्या बोल रहा है इधर से, वो ऑर्डर दे रहा है यूपी वाले को, ऑर्डर दे रहा है भी सवेरे 10 बजे तैयार रहियो झाड़ू मारने के लिए, हमने यहाँ रख लिया, वो पूछ नहीं रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है। और फिर वो कह रहा है, उसको याद दिला रहा है अभी देख पिताजी ने वचन कर रखे हैं, अभी हम संगत की कहे मानेंगे, और वो याद दिलाने में ये बेवकूफ़ी भी कर रहा है कि भी पिताजी ने वचन तो ये किए थे भी सास संगत हमारा कहा माने, तो सास संगत जो हमसे कहेगी हम मानेंगे, सास संगत की खुशी के लिए, वो वचन कुछ और याद दिला रहा है भी सास संगत को आपने वचन किए थे जो सास संगत नेक की भलाई के काम करेगी उसमें आप खड़ेंगे, तो मतलब ऐसा नहीं कहा था, जब वो पिताजी के वचन अलग थे। लेकिन क्या है क्योंकि ये यूपी वाले को तो दिखा दिया उंगलियों पे नचाना है तो वो नचा रहा है। इसके बाद इसकी स्क्रिप्ट में एक और चीज़ है, वो आज बड़े तरीके से भाषण दे रहा है भी लंगर तब खाया करते हैं जब जितनी सेवा कर लो। पिताजी से किसी ने पूछा पिताजी इस लंगर के बारे में ऐसे, तो पिताजी ने बोला बेटा दरबार के अंदर दरबार के नियम अनुसार 24 घंटे में एक बार लंगर सात संगत को मुफ्त दिया जाता है, 24 घंटे में, ये मस्ताना जी महाराज ने चलाई रीत है भी, लोग दरबार में या खाने पीने नहीं आते हैं, लोग डेरे में अपने घर से समय निकाल के भक्ति के रास्ते पर चलने सत्संग सुनने आते हैं, इसलिए दरबार में 24 घंटे में एक बार लंगर दिया जाता है सात संगत को मुफ्त। इसके अलावा जो सेवा करते हैं डेरे में किसी भी तरह की छोटी से बड़ी सेवा करते हैं उनको लंगर 3 टाइम दिया जाता है, तीनों टाइम लंगर मिलता है उनको जो कोई भी सेवा कर रहे हों छोटी से लेके बड़ी। इसके बाद पिताजी ने कभी नहीं कहा कि परम पिताजी के समय हम बाहर स्टॉल पर खड़े होकर ब्रेड पकौड़े या पूरियाँ आलू पूरी ये सब खाते थे, जबकि ये यूपी वाला जो बोल रहा है, पिताजी तो अक्सर बोलते थे भाई लंगर हम तो हमेशा लंगर ही खाते थे क्योंकि लंगर सतगुरु की बहुत, डेरे में तो लंगर ही खाना चाहिए जब आप डेरे में सेवा कर रहे हैं, डेरे का लंगर, हाँ ये अलग बात है भाई लंगर एक लंगर लंगर के तरीके से खाओ, एक लंगर पिताजी कहते थे भी पेट भर के खाओ गले तक भर के ना खाओ, थोड़ा नेटवर्क में इशू हुआ, तो लंगर को लंगर के तरीके से खाओ ये पिताजी अक्सर इस तरह से बताया करते। और जबकि ये पकोड़े आलू ये सब कुछ, इसके अलावा आपको इंटेंशन कई बार क्या है, आपको डेरे के अंदर चलने वाली गतिविधियां समझ नहीं आती इसलिए आपको इसकी बात का पता नहीं चल रहा होगा। असल में क्या है कि 45 मेंबर कमीशन बहुत लेते हैं आजकल, बिना कमीशन के आजकल कोई 45 मेंबर काम ही नहीं करता है, जितना वो पैसा आपसे इकट्ठा करके लाते हैं 20-30 पैसे मतलब कमीशन, या मान लो 100 रुपये आपसे इकट्ठा हुआ है तो 30 रुपया लगभग जो 45 मेंबर इकट्ठा करने आया उसकी जेब में चला जाएगा, ये आम तौर पर डेरे में डील है इस टाइम पे, और जितना पैसा लाओगे उतना कमीशन है, तो ये चीज़ है। लेकिन अभी तरीके से यूपी वाला क्योंकि नए 45 मेंबर बनाए हैं अब उनको इस थोड़ा जो रेशो है या डील है वो थोड़ी कम कर दी होगी परसेंटेज,
तो भी तरीके से बताना चाह रहा है कि भाई आजकल लोग लालच रखते हैं, सेवा के नाम पे भी लालच रखते हैं। असल में वो भी दिखाना चाह रहा है भी कमीशन कम से कम लो, और कमीशन नहीं देना है हमने, हम दे नहीं सकते, जबकि बाकी 45 मेंबर कमीशन पे काम करते हैं। ये अब बिना कमीशन की बात कर रहा है। ये तरीके से नए सेवादार जो चुने गए हैं उनको ये दिखाना चाह रहा है भी कमीशन नहीं लेते होते सेवा में, इससे फल नहीं मिलता। तो मतलब ये कि ये नौटंकी है। इसके अलावा और कई चीज़ें लिख के भेजी। हाँ, एक उन्होंने कुएं का मेंढक और समुद्र का मेंढक, ये तो पता नहीं कौन सा गधा है इसको। कभी आपने किसी ने समुद्र में मेंढक कूदते देखे हैं? किसी ने भी आपने कभी समुद्र में मेंढक कूदते देखे हो तो पता बताना जरूर। अब ये पहले क्योंकि इसने आपको वो मधुमक्खियाँ बना दिया डंक मारने वाली, फिर अब ये क्या है जी समुद्र का मेंढक होता है, तो ये भी समुद्र का मेंढक क्या है पता नहीं। बाकी इंसान बना दे तो बढ़िया, जानवर ही बनाया जा रहा है, कभी शेर बना देता, कभी बंदर बना देता, कभी गधा, कभी कुछ, तो भाई इंसान भी बना दे किसी को एक को। तो खैर कुल मिला के मतलब आज जितना मेरे पास कटिंग्स भेजी हैं, क्लिप्स भेजी हैं, जुबान बहुत फिसल रही है। कुछ लोगों का कहना था भी थोड़ा हरियाणवी टच है आज इसमें लगभग, तो हो सकता है कोई हरियाणवी बंदा हो। कुछ कहें जी इसने आधे बाल डाई कर लिए पीछे से, जो इसके ओरिजिनल बाल हैं वो ये डाई करके नहीं आया, नकली बाल काले इसने ऊपर लगा लिए। क्योंकि आप देखेंगे गर्दन के पीछे काले बाल हैं लेकिन जो गर्दन के बाल हैं वो सफ़ेद हैं, इसका मतलब क्या है भी ये जो बाल पीछे लगाए गए हैं वो हो सकता है नकली हों और असली बालों को डाई करना भूल गया हो। और एज़ यूज़ुअल खाने पीने का भूखा है ही है वो, जैसे पिछली बार दिखाता रहा, फिर बीच बीच में कभी पंजाबी बोल के दिखाता है, बाकी गाने की तो ऐसी तैसी, जो पिताजी के भजन हैं उसकी तो खिचड़ी बना ही देता है ये अपने तरीके से। क्योंकि क्या असली पता हो भी ये बंदा एक्चुअल में कौन है तो हम उसके खिलाफ कोई केस कुछ करें। अभी एक्चुअल में इसकी पहचान ही नहीं है कि ये कौन है सर, क्योंकि मास्क पहन के ही सामने आता है। और एक्चुअल में पता लगे भी ये बंदा एक्चुअल ओरिजिनल है फिर तो उसके खिलाफ केस किया जा सकता है या उसको पकड़ा जा सकता है इसकी पैरोल के बाद, क्योंकि एक नहीं है, एक गिनती में एक से कहीं ज़्यादा हैं, तो ये भी चक्कर है और कुछ नहीं है बाकी। और रही बात हजूर पिताजी किन हालातों में हैं नहीं है, तो भी आपको सुमन करना होगा, हम सबको मिलके प्रार्थना करनी होगी जो पिताजी बताएं। हालांकि बहुत सारे लोगों को बताते भी हैं पिताजी अपने भक्ति के रास्ते, जो भी लोग ज़्यादा भक्ति करने वाले हैं नियम से। और इसके अलावा मतलब हमने आपको पहले भी जिक्र किया था भी आप अपने जीवन में ये चीज़ समझें, जो इस चीज़ को मानते हैं भी ये सब नाटक चल रहा है और ये कोई बड़ी आपराधिक गतिविधि है या पिताजी के साथ कोई बड़ा अन्याय है, ये सब चीज़ें मानते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए हजूर पिताजी को तलाशने की। इस सब के अलावा क्योंकि गणतंत्र दिवस है तो आप ध्यान रखना, मैं गणतंत्र दिवस पे कोई इस तरह की गतिविधियां इसकी सार्वजन वो हैं संदिग्ध हैं, और NCR रीजन में जैसे ये सफाई अभियान हरियाणा में खास तौर पे चलाए जा रहे हैं और NCR रीजन में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने की है, तो कुछ नहीं पता कौन सी आपराधिक गतिविधि किस तरह से चल रही हो और किस गतिविधि में शामिल हो, तो कोशिश करें भी आप अवॉइड करें इन सब चीज़ों को। बाकी जिनको जाना है, जो पागल हुए पड़े हैं वो भी है, जिनको गटर साफ करने का शौक है वो करते रहें भी। मसला होता है इंसानियत की सेवा का, उसमें भी सिर्फ सतगुरु का नाम हो तो। जब यहाँ पे और ये तो भी जिसको सतगुरु मान रहे हैं उसको ऑर्डर दे रहे हैं भी, तू सुबह 10 बजे झाड़ू चक्के तैयार रही हो, और वो खुद कह रहा है जी मेरे को तो पता ही नहीं, इसका मतलब क्या, इसको तो स्क्रिप्ट बात बताई जा रही है मौके पे, और उसके बाद ये रिएक्शन दे रहा है भी मेरे को तो कुछ बता तो दो, मैं क्या नौटंकी चल रही है बाहर। तो वो सारा चीज़ें चल रही है, आप सबको इससे संभल के रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। इस सब के अलावा भक्त क्या कहे, जब काल ऐसे नंगे नाच चलता है इस तरह बुराई बढ़ती है। देखिए दुनियावी तौर पर ये कानून की उल्लंघना ये सब कुछ ये अलग दृष्टि है, लेकिन रूहानियत के रास्ते चलने वालों को ये किसी और निगाह से दिखता है। उसमें उन्हें दिखता है भी क्या है ये काल किस तरह के खेल खेल रहा है, किस तरह से वो एक सच्चे संत को झुकाने की या उसको बुरा साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन भक्त को जहाँ एक तरफ ये दुखदाई होता है वहाँ दूसरी तरफ भक्त की निजी ज़िंदगी में मतलब रूहानियत की लाइफ में मेरा ये मानना है भी जब ऐसा दौर आता है और भक्त जहाँ उसका विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और ऐसे में ये इस तरह के दौर में मतलब वो जल्दी ये कह सकते हैं ज़्यादा रहमतों का हकदार बन जाता है, क्योंकि उसका विश्वास अपने सतगुरु पे ज़्यादा होता है और जो काल उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है वो उसे तोड़ नहीं पाता। और ये चीज़ शायद रूहानियत में तरक्की के लिए
हेल्पफुल होती हो, लेकिन मैंने महसूस की है, बाकी हमारे साथ बहुत से लोगों ने जो टीम में है महसूस करते हैं भी, आध्यात्मिक तौर पे तरक्की इस तरह से, जब भी ये आता है तब तब लोगों को ज़्यादा हजूर पिताजी खुशियाँ बांटते हैं, जो लोग इसको नकली मानते हैं, जबकि इसके साथ जो लगे हैं उनको टेंशन, सिर दर्द, परेशानियाँ, दुख ही देखे जाता है। एक तरफ तो बोल रहा है भी लंगर खाना चाहिए, लंगर नहीं खाना चाहिए, बाहर से लेके खाना चाहिए, दूसरी तरफ खुद ही केक, हलवा, दाना, लंगर सब बांट रहा है। तो क्या है कि इसको खुद को ही नहीं पता इसका एजेंडा क्या है, इसको तो बस ये है कि एक कठपुतली बना के लाया जाता है, स्क्रिप्ट दी जाती है, बोल देता है, बाकी जो चल रहा है हो रहा है धीरे धीरे आपके सामने सब आएगा। तो खैर ये सारी जानकारी हम समय समय पे आपको देते रहते हैं। और कोई कल क्या हुआ, कल किसी ने कमेंट्स किए लाइव में, उसमें एक कमेंट किए कि हम मतलब मुझे सच्चाई पता है और सच्चाई जो है वो कुछ अलग है और बाद में ये सच्चाई कभी सामने आएगी, और कोई बोलते हैं भी सिख इतिहास हमें यहाँ से पढ़ना चाहिए, यहाँ से सुनना चाहिए। असल में क्या है कि इतिहास कभी याद करने की चीज़ नहीं है, इतिहास कोई ऐसा नहीं है भी उसकी बारीकियाँ खंगाली जाती हैं, इतिहास सिर्फ एक मौजूदा सिचुएशन में प्रेरणा देने के लिए होता है। सिख इतिहास में ऐसा दौर आया जब गुरु गोबिंद सिंह आखिर में अपने शिष्यों से अलग हो गए, और अलग हो गए लेकिन उनको किसी ने ढूंढने का प्रयास नहीं किया, इसलिए उनका जो अंतिम समय है उसको लेके जो कहानियाँ हैं या जो इतिहास में कहानियाँ हैं वो एक अजीबोगरीब हैं, जो जो डाइजेस्ट नहीं होती। इसलिए एक इतिहास में जब इस तरह का दौर आया तो किस लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, कितने लोग थे उस समय जो उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे, क्योंकि ये भी कई जगह सुनने में आता है भी उन्होंने किसी मुसलमान को आगे अपनी आशीर्वाद दिया था जो लोगों को स्वीकार नहीं था उस समय के, हालांकि इस चीज़ की पुष्टि कोई करता नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस समय शिष्यों को करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की, ये इतिहास में दिखता है। और ये प्रेरणा भी देता है इतिहास आज के समय में कि अगर संत सतगुरु जिसको आप मानते हैं और वो ऐसे दौर में आ जाएं आप जब वो आपसे दूरी बना ले, तो ऐसी सिचुएशन में शिष्य को पीछे नहीं हटना चाहिए, वो गुरु की के सामने डेली अरदास करता रहे और गुरु को पाने की इच्छा रखे। और ये चीज़ें मतलब इतिहास से प्रेरणा लेनी होती है। अब इतिहास कितना करेक्ट है या नहीं है, लेकिन उसका मूल जो उद्देश्य है वो यही होता है कि भक्तों के रास्ते में जब कभी कोई दिक्कत आए तो वो इतिहास से प्रेरणा ले भी, संतों ने, भक्तों ने पिछले समय में ऐसा क्या किया, और क्या उससे उस शिष्य को ये हौसला भी होता है भी हाँ ये संत सच्चा है, सतगुरु सच्चा है, तो वो मालिक हमारी एक दिन जरूर सुनेगा। और ये ही इतिहास, इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है, इसीलिए इतिहास समझाया जाता है। अब उस समय का इतिहास कोई व्यक्ति तो आने से रहा, इस समय में जो एक्चुअल बताए भी गलत क्या और सही क्या, और बाकी अगर कोई आप हमें ये कहें भी इसी व्यक्ति से इतिहास सुनो तो सही है, किसी और से सुनो तो गलत है, तो मुझे लगता है जिनको ये शिक्षा हमें देनी है वो पहले आप एकमत हो लें कि आपको इतिहास, आप अपने लोगों को समझा लें इतिहास, जो खुद ही 4-10 तरीकों से बदल बदल के इतिहास बताते हैं तो वो ज़्यादा है, क्योंकि हमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। हमारा सिर्फ मसला ये होता है कि संतों महापुरुषों की जो कथाएं हैं वो युगों युगों तक रहती हैं, और वो भक्तों के लिए एक तरह से सिचुएशन, अगर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो प्रेरणा के लिए होती है, उनका मार्गदर्शन करने के लिए होती है, और यही मार्गदर्शन हमें सिर्फ सिख इतिहास में मिलता है, क्योंकि उस वो थोड़ा नज़दीकी इतिहास है, और उस दौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड पे आई जहाँ पे गुरुओं ने चोज किए, संतों ने अलग अलग तरीके से भक्तों की परीक्षाएं ली, और उन परीक्षाओं में भक्तों ने कैसे कैसे मतलब अपना अपना कर्म धर्म जैसे भी किया, वो सब प्रेरणा स्रोत बनते हैं, इसलिए रूहानियत के रास्ते पे जो चलते हैं उनके लिए सब कुछ है, भी प्रेरणा मिल जाती है इतिहास से। तो इस सब में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कोई लोग सोचते हैं अभी नहीं जी हमारे हिसाब से सुनो, हमारे हिसाब से समझो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई नया चीज़ जानता हूँ और मैं एक नया प्रोपेगेंडा चला रहा हूँ। असल में क्या है कि जब आपको सच पता हो तो आपको सच बताना चाहिए, और वो सच अगर किसी की जान या किसी को सुरक्षित कर सकता है, किसी को बर्बाद होने से बचा सकता है, तो वो सच अगर आप नहीं बताते तो आप कानून,
समाज इन सब में दोषी हो ना हो, लेकिन आप ईश्वर की निगाह में दोषी हैं अगर आपको सच पता है और आप सच नहीं बता रहे। और ये तो परमपिता जी ने भी वचन किए थे, परमपिता जी भी ये वचन करते थे, बेटा अभी हमें पता है, हम तो बता रहे हैं, हमारी ड्यूटी लगाई है, और भी ये बात में हमारी ड्यूटी लगाई है, परमपिता जी ये बताते थे और कहते अगर हम नहीं बताएंगे तो मालिक हमारे को सजा देगा, ये बात परमपिता जी बोलते थे। हालांकि हम परमपिता जी को कुल मालिक स्वरूप मानते हैं, तो भी परमपिता जी इस तरह के वचन करते थे। दूसरा क्या है भी मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा दौर आया जब हजूर पिता जी ने के सामने कोई सेवा लगी थी हमारी, तो हमारी रिपोर्ट गई, तो उस रिपोर्ट के बाद हजूर पिता जी ने वचन किए थे, बेटा इसी तरह डेरे की सार संभाल करते रहना है और ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कोई उंगली उठा सके। तो हम तो अपने तरीके से सत्संगत डेरा क्या सत्संगत का है और सत्संगत डेरे की है, तो हम तो अपने तरीके से सच्चाई जो हमें पता है हम बताएंगे, और ऐसा नहीं है अभी कोई फैब्रिकेटेड है या कोई प्रोपेगेंडा है या कोई एजेंडा है, सच्चाई सच्चाई है। उस सच्चाई में कोई अपराधी आ रहा है, कोई आतंकवादी गतिविधि आ रही है, कोई क्राइम आ रहा है, कोई अपराध हो रहा है, किसी भी लेवल की चीज़ है, चाहे वो लोकल पुलिस से लेके नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक की हो, जहाँ तक हमें जानकारी मिलती है हम आपके सामने सार्वजनिक कर देते हैं। इसके अलावा क्योंकि जब आप ऐसा कोई काम करोगे तो ऑब्वियसली आपके साथ पुलिस वाले, इंटेलिजेंस वाले, खुफिया विभाग वाले सब अलग अलग तरीके से वो आपसे मित्रता दोस्ती करने लग जाते हैं, और फिर वो आपसे उनको लगता है भी जब कोई बंदा इस तरह से काम कर रहा है तो उनको फ्री में जानकारी मिलती है, फिर वो एक तरह का सर्कल बन जाता है, उस सर्कल में फिर वो बहुत सारी चीज़ें आपस में शेयर हो जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें खुद को भी समझ सीखने को मिलती हैं, सामने वाले को भी सीखने को मिलती है, क्योंकि हम तो एक अपना मिशन चला रहे हैं। इस सब के अलावा बहुत सारे चीज़ें आपको मतलब इस तरह से है, आप क्या कहें भी धर्म के नाम पे जो एजेंडाज प्रोपेगेंडा जो नेताओं का, मंत्रियों का, संतरियों का, सबका आपको काम करने का पैटर्न सबका समझ में आता है भी क्या कुछ है, कौन क्या सोचता है और किस तरह से कौन सा अपराधी काम करता है, तो सारी चीज़ आपको तब समझ आने लगती है जब आपका ऑब्जेक्टिव जो एम है वो सही हो, सच हो, और आपकी जवाबदेही सिर्फ अपने आप से हो, अपनी आत्मा से हो। ऐसा नहीं है भी वो जवाबदेही किसी के प्रति हो, देखो जो सैलरी होल्डर है वो तो जवाबदेही किसी के प्रति रखेगा, लेकिन जब आप अपनी आत्मा से चलते हैं तो आपकी जवाबदेही सिर्फ अपने आप को है भी आप कितना सच्चे हैं और कितना झूठे, और आपके आप अपनी सतगुरु के सामने कितने सच्चे रह सकते हैं, तो ये अपने आप को जवाब होता है। लेकिन क्या लोगों को लगता है नहीं जी तो प्रोपेगेंडा है और एक स्टेज के बाद मोहित कोई नया सच खुलासा करेगा, कोई बड़ा धमाका करेगा और वो डेरे को बर्बाद कर देगा, तो ये क्या है, ये एजेंडा एडम ब्लॉक वाले सीधे तरीके नहीं तो उल्टे तरीके चलाते हैं, क्योंकि यही एजेंडा उन्होंने नेताओं में चलाया कि डेरा मुखी तो ऐसा ही है जी, इसको तो हम चलाते हैं, हमारे हिसाब से चलता था, अपनी मर्जी से चला तो ऐसे ऐसे काम किए, तो ये सब है। और अगर आपको नहीं यकीन है तो जरा बरनावा बागपत आश्रम के आसपास के जो ठेके चल रहे हैं ना शराब के, जरा वहाँ पे निगाह रखनी शुरू कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन आदमी वहाँ कितनी भगती करने वाला बैठा है और कितने शराब पीने वाला बैठा है, आपको सब समझ आ जाएगा। तो खैर नाम चर्चा के आखिरी 10 मिनट के लिए हम नाम सुमरण भजन का जाप करते हैं, तो आप सबने सुमरण 10 मिनट के लिए करना है। ये सुमरण कायदे से पिताजी ने शुरू करवाया था समाज की भलाई के लिए भी, आप ईश्वर से प्रार्थना करें, समाज की सबकी भलाई भला मांगते हुए सुमरण करें, जिससे समाज में भक्ति का संतुलन बना रहता है और ईश्वर भी क्योंकि भक्ति होगी तो भक्त होंगे तो उनकी लाज भी रखता है। तो आप 10 मिनट का सुमरण, ये हजूर पिताजी के वचन अनुसार होता है, तो आप 10 मिनट के सुमरण करें और उसके लिए अरदास बोली जाएगी, अरदास के बाद आपने सुमरण करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।